चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताजा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अब देखो डिस्प्ले, अकाउंट बुक, लेजर, त्रिदेव इलेक्ट्रिकल्स, इससे पूरे साल में देखो कितनी सारी ट्रांजैक्शन है। ये करीब 30 के आसपास ये आपको स्क्रीन पे देख रहे हैं, 10 नीचे करीब 40-42 स्क्रीन एंट्रियाँ हैं। इसका क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा है? 3,178.30 है ना, देख रहे हो आप? हेलो, तो 3,178.30। मान लीजिए आप ये त्रिदेव वाले से, इस पार्टी से अपना अकाउंट मिला रहे हो, स्टेटमेंट मिला रहे हो कि इसकी और मेरी सारी एंट्रियाँ हो रही हैं नहीं हो रही हैं, लेकिन पता चला कि उसकी बुक्स में एक तो ये वाली एंट्री उसके रजिस्टर में नहीं है, एक ये वाली सेल उसके में नहीं है, एक ये वाली सेल उसके में नहीं है, मतलब कुछ एंट्रियाँ उसके में मिसिंग हैं जो हमारे में हैं, या हमारे में हैं, हमारे में नहीं है और उसके में है। तो आपको क्या करना है, मान लीजिए आप उसके लेजर से लेजर मिला रहे हो, तो उसके में एक तो ये एंट्री नहीं थी, एक एंट्री ये नहीं थी, एक एंट्री ये नहीं थी, साथ में एक पेमेंट भी नहीं थी। तो अब आपको इस 3,178 के बैलेंस में ये सारी एंट्री प्लस माइनस करने में तब बैलेंस मिलेगा। राहुल समझ आई कि मान लीजिए मेरे पास मैंने सारे साल की एंट्री कर ली, मेरे पास बैलेंस आ रहा है 3,178.30 क्रेडिट बैलेंस, लेकिन जब मैंने सामने त्रिदेव वाले से स्टेटमेंट मंगाई तो उसकी स्टेटमेंट में ये तीन एंट्रियाँ नहीं थी, तीन तो बिल नहीं चढ़े हुए थे, एक दो तीन, एक पेमेंट भी नहीं चढ़ी हुई थी। तो यानी कि अगर मैं अपने लेजर में से ये वाली एंट्री हटा दूंगा तो उसका और मेरा बैलेंस मिल जाएगा। हाँ जी, उसमें भी वैसा होना चाहिए तब मिलेगा। हाँ, उसमें तो है ही नहीं ना, उसमें हमारे में नहीं, तो दोनों में एक जैसा एंट्री होगा तब मिलेगा ना। अब दोबारा बोलूं, मैं यही कह रहा हूँ कि उसके में नहीं है, सुन रहे हो पहले ध्यान से ना, उसके में नहीं है, तो अगर मैं भी अपने यहाँ से हटा दूं तो उसका और मेरा बैलेंस मिल जाना चाहिए। मिल जाएगा ना, वो ठीक है, आप ठीक कह रहे हो, उसको भी एंट्री करने को बोलना पड़ेगा, तो मुझे तो चेक करना पड़ेगा ना, यही चार एंट्रियों का फर्क है, कोई और एंट्री तो नहीं छूट गई। तो पहले अब मैं क्या करूँ, एक तरीका तो ये है कि मैं 3,178 में सारी चीज़ें प्लस माइनस करूँ तो नेट बैलेंस आएगा। ये तो अभी चार ही एंट्री हैं, ऐसी अगर 40 एंट्री मिल गई पूरे साल में तो क्या करोगे, ट्रांजेक्शन तो ज़्यादा भी होती है ना, तो आप कितनी एंट्रियाँ याद करोगे? तो आप क्या कर सकते हो, इनको सिलेक्ट करो और इनको करो कंट्रोल आर। कंट्रोल आर करने से वो हो गई हाइड, कंट्रोल आर टू हाइड रो इन टैली प्राइम। टैली प्राइम में रो को हाइड करने का टोटल शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल आर। तो अब देखो बैलेंस कितना हो गया मेरा, 99,230 बैलेंस चेंज हो गया। तो अगर मैं एंट्री डिलीट मार देता तो क्या होता, मुझे दोबारा करनी पड़ती ना वो एंट्री, तो एंट्री तो मैंने करी ठीक है, तो डिलीट क्यों मारूंगा, डिलीट नहीं मारूंगा। दूसरा तरीका यह था कि मैं 3,178 में डेबिट साइड की एंट्रियाँ जोड़ता और क्रेडिट साइड वाली घटा देता तो बैलेंस ही आ जाता, तो वो भी गड़बड़ हो जाती। तो अब मेरे को ये तो चार एंट्रियाँ तो ऐसा कर भी लोगे, लेकिन चार से ज़्यादा कोई तो क्या करोगे, तो टैली ईआर प्राइम में, टैली प्राइम में रो को हाइड करने के लिए फंक्शन की है कंट्रोल आर, रो को अनहाइड करने के लिए फंक्शन की है कंट्रोल यू। आ गई सारी, देखो बैलेंस फिर 3,178 हो गया। तो मैं बस केवल सैंपल बेस पे देखना चाहता था कि यही जो एंट्री मैंने लोकेट करी है, मान ली ये एंट्री नहीं मिल रही, ये वाली एंट्री नहीं मिल रही, ये नहीं मिल रही, ये नहीं मिल रही, ये नहीं मिल रही, तो इन एंट्रियों को अगर मैं भी हटा दूं तो उसका और मेरा बैलेंस मिल जाएगा या कोई और डिफरेंस भी है। तो मैंने ईआरपी प्राइम में करा कंट्रोल आर, हटा दिया तो मेरा बैलेंस अब 1,18,700 कुछ हो गया। तो यानी कि अब देखो उसकी स्टेटमेंट में यही बैलेंस आ रहा है, अगर यही बैलेंस आ रहा है तो यानी कि इन्हीं चार एंट्रियों को लोकेट करना है मैंने जो उसने नहीं कर रखी फिर, है ना। तो मैं इन चार एंट्रियों के बारे में अपने यहाँ बिल देखूंगा कि मैंने बिल इसी के नाम पे काट चढ़ाए हैं, किसी और के नाम के बिल तो चढ़ा दी इसमें, या किसी और की पेमेंट तो नहीं चढ़ा दी। तो आप स्टेटमेंट चेक करते टाइम किसी एंट्री का बैलेंस हटाना चाहते हो, किसी एंट्री का बैलेंस डालना चाहते हो, तो इफेक्ट कोड केवल एंट्री का इफेक्ट है तो आ सकता है। अब मुझे देखो, अब इसको दोबारा खोलने के लिए दो फंक्शन किए प्राइम में, ईआरपी में तो एक ही है, प्राइम में दो फंक्शन किए, कंट्रोल यू कर रहा हूँ तो एक एक करके आ रही हैं, है ना, एक एक करके आई, एक फिर दोबारा हाइड कर रहा हूँ, हाइड करने की कमांड भी वहाँ अलग है यहाँ अलग है, स्पेस बार से
सेलेक्ट के लिए स्पेस बार होती है, ये जो मैं एंट्रियां सेलेक्ट कर रहा हूँ ना, ये स्पेस बार से सेलेक्ट होती है, ध्यान रखना। जिस एंट्री पे जाके कर्जा रख दूंगा उस पे जाके स्पेस बार कर दो, सेलेक्ट हो जाएगी ये सेलेक्ट हो गई। टैली प्राइम में या ईआरपी में किसी एंट्री को सेलेक्ट करने के लिए स्पेस बार फंक्शन की है। तो अब मैंने ये सेलेक्ट करी कंट्रोल आर से, अब मैं चाहता हूँ कि सारी एक बार में आ जाए। जब सारी एक बार में चाहिए तो मुझे ऑल्ट यू करना है, ऑल्ट यू सारी एक बार में आ गई है ना, बैलेंस मेरा 3000। अगर मैंने बहुत सारी एंट्री सेलेक्ट कर रखी होती तो कंट्रोल यू करते बहुत देर लग जाती। लेकिन ईआरपी में आपको एक एक करके ही वापस आएंगी, ईआरपी में कोई दूसरा तरीका नहीं है। देखो ये हाइड कर सेलेक्ट कर ली, ये सेलेक्ट कर ली। सेलेक्ट करने के लिए मैं एंट्री पे जाके स्पेस बार प्रेस कर रहा हूँ ना, ये सेलेक्ट कर ली। अब मुझे ये हाइड करनी है तो ईआरपी, ध्यान रखना प्राइम में हाइड करने के लिए कंट्रोल प्लस आर है, ईआरपी में हाइड करने के लिए ऑल्ट प्लस आर है। ऑल्ट प्लस आर करा, हाइड हो गई ईआरपी में से। अब मुझे वापस नहीं है तो यहाँ पे अनहाइड करने के लिए तो फंक्शन की केवल ऑल्ट यू ही है, तो ऑल्ट यू और वो आएंगी भी एक एक करके, ठीक है। प्राइम में अनहाइड करने के लिए कंट्रोल आर, कंट्रोल यू भी है और ऑल्ट यू भी है, दोनों चलते हैं वहाँ पे। यू अनहाइड, कंट्रोल यू और कंट्रोल ऑल्ट यू, दोनों अनहाइड चलते हैं। लेकिन यहाँ पर केवल ऑल्ट यू चलता है, ऑल्ट यू से अनहाइड होगी और ईआरपी में अनहाइड होगी, वो भी एक एक करके ही आएगी, सारी एक साथ नहीं आएंगी। क्लियर है? ईआरपी में एक साथ नहीं आ सकती, ईआरपी में कोई तरीका नहीं कि सारी एक साथ आ जाए। सिलेक्ट, हाँ और हाइड भी ऑल्ट आर से होती है, वहाँ पे कंट्रोल आर से हाइड होती है, ध्यान रख लेना। यहाँ पे ऑल्ट आर और ऑल्ट यू है टू हाइड और अनहाइड। समझ आया राहुल ऋषि? यस सर। ठीक है, एक चीज पूछा कि ये लोग जब मतलब इनको एंट्रीज को टैली करते हैं तो इसमें कौन सी एंट्री उसके में नहीं है और मेरे तो में जो नहीं है, तो बहुत सारी एंट्री हो तो कैसे उसमें से छांट सकते हैं? भाई देखो, एक तो तरीका है कि दोनों, अगर बहुत सारा गैप, पहले तो स्क्रीन पे देख के, मान लीजिए मेरे को ये एंट्री मिल गई सिलेक्ट कर लो, ये मिल गई सिलेक्ट कर लो, ये नहीं मिली इसे छोड़ दो, ये मिल गई, ये भी मिल गई, ये भी मिल गई, ये भी मिल गई, ये मिल गई, ये मिल गई, जो मिलती जा रही है उन्हें सेलेक्ट करते जाओ। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है कि प्रिंट निकालो, उसके वाले का प्रिंट निकालो, अपने वाले का निकालो, एक एक करके टिक कर लो, है ना। और कोई तरीका नहीं है तो सिंपल था। अच्छा अब देखो, अब एक और तरीका बता रहा हूँ। अब मान लो ये जितनी मैंने सेलेक्ट करी है ना, ये मुझे कोई भी नहीं चाहिए, ध्यान रखना। मुझे सॉरी, ये जितनी मैंने सेलेक्ट करी है यही चाहिए, जो अनसेलेक्टेड हैं वो नहीं चाहिए मुझे। मतलब कि मुझे ज़्यादा हाइड करनी है और कम दिखानी है। पहले मैंने क्या करा था, चार को हाइड करा था और बाकी सब देख रहा था। अब मुझे चार ही देखनी है, बाकी सब हाइड करनी है। तो चार ही देखनी है, बाकी सब हाइड करनी है, तो क्या करना है, जो मुझे देखो, पहले मैंने कहा था ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है और ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं थी मेरे पास ऐसे अंदाजन। तो लेकिन अब मुझे यही छः एंट्रियाँ चाहिए, तीन ये यही छः एंट्री चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए। तो क्या करूँ, सबको एक एक करके सेलेक्ट करूँ? आप समझ रहे, ऋषि राहुल अलीसा क्या कह रहा हूँ, पहले मैंने कहा था मुझे ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये मैंने छः एंट्रियों को सिलेक्ट करा और कंट्रोल आर करा और हाइड हो गई, गायब हो गई। लेकिन अब मैं क्या कह रहा हूँ, अब मैं कह रहा हूँ मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए और ये चाहिए, इसके अलावा कोई नहीं चाहिए। तो जो अभी तक क्या था, जो नहीं चाहिए थी वो सिलेक्ट कर रहा था, अब मैंने कौन सेलेक्ट करी, जो मुझे चाहिए। अब ये तो मुझे चाहिए और बाकी मुझे नहीं चाहिए, यानी कि मुझे जो नहीं चाहिए वो सिलेक्ट करनी है ना। तो अब क्या कमाना है, इसे बोलते हैं इन्वर्ट करना, सिलेक्शन को उल्टा कर देना। जो मैंने सिलेक्ट करा उन्हें हटा के दूसरों को सिलेक्ट कर लो। तो जो अब मैंने क्या करा, जो मुझे चाहिए वो मैंने सिलेक्ट कर ली, बाकी जो मुझे हाइड करनी, क्या करूँ, कंट्रोल ऑल्ट आई, इन्वर्ट सिलेक्शन, सिलेक्शन को उल्टा कर दिया, इन्वर्ट कर दिया। अब मैं कंट्रोल आर करूँगा तो वो रह जाएंगी जो एंट्रियाँ मैंने हाइड करी थी। तो कंट्रोल ऑल्ट आई इंपॉर्टेंट कमांड है इन्वर्ट सिलेक्शन के लिए, कि जब आपको किसी पेज रेंज में से ज़्यादा एंट्री नहीं चाहिए और कम चाहिए, तो जितनी चाहिए उन्हें सिलेक्ट करो, फिर प्रेस करो कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस आई, तो इन्वर्ट हो जाएगा। आपकी सिलेक्ट करी हुई अनसेलेक्ट हो जाएंगी, बाकी अपने आप सेलेक्ट हो जाएंगे, तो इन्वर्ट हो जाता है। इन्वर्ट का मतलब होता है उल्टा होना। तो इन्वर्ट हो गई तो वो फिर उसे ऑल्ट आर कंट्रोल आर कर दो, हाइड हो जाएंगी, ये सारी खुल गई। जब आप वाउचर एंट्री करते हो तो नीचे
यहाँ पे नरेशन लानी है तो कंट्रोल आर नरेशन रिपीट करता है लास्ट कमांड को, जो भी लास्ट कमांड है उसे रिपीट करने के लिए एंट्री है कंट्रोल आर, कंट्रोल आर, कंट्रोल आर, कंट्रोल आर नरेशन के अलावा कहीं पे भी रिपीट करना हो तो टैली में, पूरे टैली में कुछ भी रिपीट करना है तो कंट्रोल आर। कुछ भी रिपीट करने का मतलब देखो, मैंने एक मास्टर क्रिएट करा, क्रिएट लेजर, नहीं एंट्री नहीं, एबीएन ट्रेडर, ट्रेडर्स, क्रेडिटर, कंट्रोल ए, ये सेव कर दिया। अब मुझे दोबारा करना है कंट्रोल आर, एबीएन ट्रेडर्स दोबारा आ गया। कंट्रोल आर से कोई भी लास्ट कमांड, मान लीजिए क्या हो रहा है, देखो ये एबीएन ट्रेडर दिल्ली का है, कंट्रोल ए करा, दोबारा एक कंट्रोल, एबीएन ट्रेडर हरियाणा का है, हरियाणा, तो एबीएन ट्रेडर बार बार आ जा रहा है। कंट्रोल आर से कुछ भी रिपीट होगा, जो भी लास्ट कमांड होगी वो टैली में कंट्रोल आर से रिपीट होती है, चाहे वो मास्टर क्रिएट करते टाइम हो, चाहे नरेशन करते टाइम हो, है ना, तो कुछ भी होगा तो कंट्रोल आर से रिपीट हो जाती है, कंट्रोल आर टू रिपीट लास्ट ट्रांजेक्शन, है ना, लास्ट ट्रांजेक्शन क्या कंट्रोल आर से, हाँ नरेशन को तो कर सकते हो, या किसी, जैसे मान लीजिए मास्टर क्रिएट करते हैं ना, अभी तो करा था मैंने, क्रिएट लेजर कंट्रोल आर दिल्ली की जगह, कर तो सकते हो चेंज, सब कुछ चेंजेबल है। नहीं, अगर आपको सारी चाहिए तो देखो, देखो ये क्या कर रहे हैं, ये बालक कह रहे हैं कि मान लीजिए मैंने ये सिलेक्ट करी, ये सिलेक्ट करी, है ना, ये सिलेक्ट कर ली, अब मैंने ऑल्ट आर से हाइड कर ली। अब आपको अगर सारी चाहिए तो इसमें एक ही तरीका आसान है, कुछ नहीं, एस्केप करो और दोबारा लेजर के अंदर घुस जाओ, सारी खुल गई अपने आप ही, दोबारा चले जाओ, सारी खुल गई, इधर सारा ऑल्ट यू करना ही नहीं पड़ेगा आपको, है ना, वो तो एक एक करके एंट्री का इफेक्ट आ रहा है तो कर रहा है वो, ये हाइड करी, ये हाइड करी और ऑल्ट आर करो। अब नीचे देखो 660,000 जहाँ लिखा ना, बैलेंस भी चेंज होता रहेगा, हो रहा चाहिए नीचे, तो ये एक एक करके तो आप चाहते हो कि एक एक का इफेक्ट देखना। अगर सारी आपको वापस चाहिए प्राइम ईआरपी में, कुछ मत करो, यहाँ से बाहर आओ, दोबारा डेट रेंज खोल लो, आसान काम, उतने सारे ऑल्ट यू करने की जरूरत ही नहीं है, है ना। तो अगर ईआरपी में एक एक करके आता है तो जरूरी नहीं है हम एक एक करके ही वापस ना आए, अगर मुझे सारे वापस चाहिए तो मैं सारे क्या क्या करूँ, एस्केप करो, बाहर आ जाओ और दोबारा खोल लो उसी डेट रेंज को, ख़त्म कहानी, एक बार में आ गया, ठीक है। मान लो मैंने एक कैश बुक खोल रखी है, ठीक है, ये कैश बुक खोल रखी थी, अब मुझे इसमें याद आया कि मेरे पास ये शुभम ट्रेडर से ना एक 10,000 रुपये की एंट्री और आई थी, वो एंट्री नहीं करी मैंने, समझ रहे हो, कि मान लीजिए शुभम ट्रेडर जो पार्टी है इससे 9 अगस्त को पैसा आया था, फिर दूसरे दिन पैसा और आया था, 10 तारीख को भी एक 5,000 रुपये 10,000 रुपये और आए थे, जो एंट्री यहाँ दिख नहीं रही मुझे, है ना, तो मेरे को वो एंट्री करनी है तो क्या करूँ, ऑल्ट आई टू इंसर्ट वाउचर। आप अभी देखो वाउचर एंट्री आप कहाँ पे करते हो, वाउचर यहाँ पे आके एंटर करते हो, यहीं तो करते हो, लेकिन आप तो रिपोर्ट देख रहे हो, आप तो कैश बुक कैश बैलेंस मिला रहे हो, है ना, यहाँ पर, या शुभम का लेजर ही मिला रहे हो, लेजर, ये शुभम ट्रेडर का बैलेंस मिला रहे हो आप, तो शुभम ट्रेडर का बैलेंस में देखा, यहाँ पे एक 10 तारीख को इसने पैसे, यहाँ पे 8 और 9 अगस्त को पैसे दिए, फिर 10 अगस्त को भी कुछ पैसे दिए थे, जो एंट्री यहाँ नहीं है लेकिन शुभम के यहाँ पे लेजर में है, और हमने भी मैच करा, हाँ पैसे तो आए थे, तो हमारे से एंट्री छूट गई। तो एक तरीका तो एक ही, मैं पहले यहाँ से बाहर जाऊँ, एंट्री करूँ, फिर दोबारा सुबह में आऊँ, तो दूसरा तरीका क्या है, मैं यहीं पे कर सकता हूँ, ऑल्ट आई, ठीक है, F6 शुभम 10,000 कैश, ये देखो ये आ गई 10,000 रुपये की एंट्री। तो एक तरीका ये, तो यानी कि अगर आप रिपोर्ट के बीच में एंट्री करना चाहते हो तो ऑल्ट आई से एंट्री कर सकते हो, ठीक है, देखो ऑल्ट आई टू इंसर्ट एंट्री, किसी भी एंट्री को इंसर्ट करने के लिए ऑल टाइम, दोबारा करा मैंने इंसर्ट करके शुभम 10,000 रुपये कैश
ये एंट्री आ गई, ठीक है। अब कोई बच्चा पूछ रहा था एंट्री डिलीट करने के लिए क्या होती है। देखो एंट्री डिलीट करने के लिए इसे सेलेक्ट करो और ऑल्ट डी करो, ऑल्ट डी करोगे डिलीट हो जाएगी। और टैली में ध्यान रखना कंट्रोल जेड अंडू की कमांड नहीं है पूरे टैली में, ना ईआरपी में ना प्राइम में। जो एक बार डिलीट हो गया तो गया गंगा में, ठीक है, वो भगवान के पास चला जाएगा एंट्री, ये मिलेगी नहीं एंट्री। कंट्रोल जेड नहीं है यहाँ पे, अंडू कमांड टैली में पूरे टैली में नहीं है कोई अभी तक। तो आपने अगर इसे सेलेक्ट कर लिया, ऑल्ट डी कर दिया तो ये एंट्री गई बस। ऑल्ट डी डिलीट मारो, एंटर कर दो, एंट्री डिलीट, अब वो वापस नहीं आ सकती। कंट्रोल जेड नहीं चलता यहाँ पे कभी, ठीक है। तो टैली में वाउचर डिलीट करने के लिए फंक्शन की है ऑल्ट डी, ईआरपी में भी और प्राइम में भी, दोनों जगह सेम है, दोनों जगह सेम है, ठीक है। तो अब इन एंट्रियों को एक बार प्रैक्टिस करना है, जब जब जिनकी जरूरत होती है। आज जितनी हमने डिस्कस करी है आपने टिक कर रखी होंगी या लिख रखी है, तो एक एक करके इनको प्रैक्टिस करके देखना। आने वाले टाइम पे भी प्रैक्टिस करते रहना, ऐसा नहीं कल की गैप में ही प्रैक्टिस करोगे। तो जब भी असाइनमेंट करो कोशिश करो कि इनकी प्रैक्टिस कर सको आप, ठीक है।